हे फ्रेंड्स, क्या आपको भी हो रही है दिक्कत लॉजिक बिल्ड करने में? क्या आपके भी मन में ये क्वेश्चन आता है कि अब क्या करें या इसे कैसे करें? अगर हाँ, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ आमिर और आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं लॉजिक बिल्डिंग स्किल को। इस वीडियो में हम लोग लॉजिक बिल्डिंग स्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक, दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लॉजिक। ये कुछ इस तरह का लॉजिक है जो हम लोग यूज़ करते हैं कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके बारे में हम लोग किसी स्पेसिफिक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लॉजिक। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लॉजिक कुछ इस तरह का लॉजिक है जो आपको चाहिए होता है जब आप प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं। इसमें आप लोग प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करते हैं और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं कि ये आपको मेंटेन्ड, ऑप्टिमाइज और लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी दे। जैसे कि हम सब नए में YouTube देखते हैं और कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। जैसे कि अगर आपके मन में आया क्वेश्चन कि चलो मैं कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि चैट ऐप हुआ, आप सर्च करते हैं YouTube में कि हाउ टू बिल्ड चैट ऐप और आप लोग उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और आपका ऐप कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि अब मैं खुद से ये प्रोजेक्ट कोई एक प्रोजेक्ट पर काम करूं, जैसे कि आप सोचते हैं मैं ई कॉमर्स पे काम करूं बिना कुछ देखे, अगर खुद से करना चाहते, तब आपको हो जाती है दिक्कत कि अब पहले क्या करें या सेकंड में क्या करें। यहाँ पे आपके पास कोई स्टेप्स नहीं होते और आप पड़ जाते हैं दिक्कत में कि क्या करें नहीं करें, आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को ब्रेक डाउन करेंगे और डीपली एनालाइज करेंगे आपका प्रॉब्लम को और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सपोज हम लोग एक ई कॉमर्स ऐप पर काम कर रहे हैं जिसमें हमारा बोथ यूज़र और एडमिन दोनों एक ही मतलब मोबाइल ऐप से ही ऑपरेट करेंगे। अभी हम लोग कोई भी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे या कोई फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा या कि कैसे इसको स्टार्ट किया जाएगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या हो, उसके बारे में अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सिर्फ थ्री पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला स्टेप है वो ये है कि ब्रेक डाउन इंटू मल्टीपल स्टेप्स। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि हमारा जो कंप्लीट सिस्टम होगा उसको मल्टीपल स्टेप में ब्रेक डाउन करेंगे। यूजुअली ई कॉमर्स ऐप में क्या होता है कि यूज़र जो है वो साइन अप करता है ऐप में और ऑर्डर प्लेस कर देता है। सिंपली ई कॉमर्स ऐप का यही मीनिंग होता है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ और स्टेप्स हैं, जैसे कि वहाँ पे एडमिन भी होता है जो हैंडल करता है या प्रोजेक्ट ऐड करता है, और एडमिन फिर ऑपरेट भी करता है जो ऑर्डर्स आया उसको या यूज़र को भी मैनेज करता है। यहाँ पे और प्रोसेस है, तो चलिए इन प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं सब प्रोसेस को कि इसमें होता क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या होता है कि यूज़र लॉगिन या साइन अप करता है, या एडमिन सिर्फ लॉगिन करता है साइन अप नहीं कर पाता है, यूज़र और एडमिन का अलग अलग डैशबोर्ड होता है, एडमिन प्रोडक्ट ऐड करता है, यूज़र ऑर्डर प्लेस करता है, एडमिन ऑर्डर को रिसीव करता है या उसे देखता है या व्यू करता है ऑर्डर्स को, और आगे के कुछ प्रोसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बस इतना ही होता है, इसके आगे भी बहुत से स्टेप्स हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी बेसिक लॉजिक के लिए या समझने के लिए सिर्फ इतने ही प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सब में से हमारा जो प्रोसेस निकला वो 6 है, वो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर के स्टेप पे, जो है अरेंजमेंट ऑफ द स्टेप्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे स्टेप्स को अरेंज करते हैं कि पहले जो मतलब कौन सा स्टेप नेसेसरी है सेकेंड स्टेप को सपोर्ट करने के लिए, सेकेंड स्टेप को होने के लिए पहला वाला कौन सा ऐसा स्टेप है जो नेसेसरी है। जैसे एडमिन अगर प्रोडक्ट ही ऐड नहीं किया तो यूज़र कभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता, उसी तरह से हम लोग इसको प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करेंगे सभी स्टेप्स को। तो चलिए इन सबको हम लोग अरेंज करते हैं। हाँ, जो पहला स्टेप है उसमें एडमिन लॉगिन करता है। इसमें क्या होगा कि एडमिन को बस लॉगिन करने का अथॉरिटी होगा, वो साइन अप नहीं कर सकता क्योंकि एडमिन ही अगर साइन अप कर ले तब तो पहला ये है कि एडमिन उस पर लॉगिन करता है। और इसमें हमारा जो क्रेडेंशियल होता है एडमिन का, वो पहले से सेट करके रखना पड़ता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा एडमिन का लॉगिन। सेकेंड नंबर पे है एडमिन के लिए डैशबोर्ड, एडमिन लॉगिन किया उसके लिए डैशबोर्ड। थर्ड पे है हमारा एडमिन प्रोडक्ट ऐड करेगा। अब आएगा हमारा यूज़र, यूज़र अब साइन अप भी कर सकता है या तो लॉगिन भी कर सकता है। अब यूज़र के पास वो प्रोडक्ट सब लिस्ट हो जाएंगे उनके डैशबोर्ड पे जो कि हमारे एडमिन ऐड किए थे। तो अब क्या हो गया कि यूज़र अब ऑर्डर प्लेस कर सकता है, यूज़र ऑर्डर प्लेस पेज अब हो जाएगा उसके बारे में। उसके बाद जो है हमारा व्यू ऑर्डर करेगा एडमिन, उसके लिए हो जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस कि एडमिन ऑर्डर को कंप्लीट करेगा या कैंसिल करेगा, जो करेगा आगे का प्रोसेस, ठीक है। तो आपको अभी भी अरेंज्ड स्टेप्स स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब आपके पास पूरा क्लियर स्टेप्स है, अब आपको बस इन्हें फॉलो करना है और आपका आगे का काम करना है। अब हमारा आता है स्टेप नंबर 3 जो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इन्हीं पे कोड लिखते जाएंगे, और जैसे आप स्टेप्स 1, 2, 3 करके फॉलो करते जाएंगे लास्ट तक, जब आप पहुंचेंगे तो आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ये लोगों और लोगों तक पहुंचने में वीडियो को हेल्प करती है।